नमस्कार, स्वागत आप सभी का मार्केट टाइम्स टीवी पर। आप देख रहे हैं बाजार की चाल, और बाजार की चाल में आज कमोडिटी पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सजाजा जी। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। जी नमस्कार अमित जी। सबसे पहले अगर नॉन एग्री कमोडिटीज की बात की जाए, तो अभी जो मेन मुद्दा बना हुआ है वो देख रहे हैं कि फेडरल रिजर्व बैंक का ब्याज दरों में बढ़ोतरी करना, कि कितनी ब्याज दरें बढ़ाई जाएंगी। तो इससे अगर ब्याज दरों में बढ़ोतरी होती है तो इसका असर गोल्ड सिल्वर पर कितना पड़ेगा, पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव? देखिए, इट डिपेंड्स एक्चुअली कि कितनी ब्याज दरें बढ़ती, क्योंकि ऑलमोस्ट डिवीजन है कि 50 बेसिस पॉइंट होगा या 75 बेसिस पॉइंट होगा। हालांकि 75 बेसिस पॉइंट भी काफी हद तक डिस्काउंटेड हो चुका है। अगर उस हिसाब से इंटरेस्ट रेट्स नहीं बढ़ती है या ब्याज दरें नहीं बढ़ती तो डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। जहां तक डॉलर का सवाल है, डॉलर में फिर नरमी आ सकती है। और बाकी जो भी एसेट क्लासेस जिसमें सेल ऑफ हमें देखने मिला है, चाहे इक्विटी हो या गोल्ड सिल्वर या बेस मेटल्स, उसमें अक्रॉस द बोर्ड एक रिलीफ रैली का दौर हमें देखने मिलेगा। अगर सिर्फ 50 बेसिस पॉइंट्स का ही जो बढ़त है वो होती है, अगर 75 बेसिस होती है तो एक अग्रेसिव स्टेप माना जाएगा। और जिस तरह से ट्रेंड्स चले आ रहे हैं, उस तरह के ट्रेंड्स अभी भी जो है हमें देखने मिलेंगे, यानी सेवन वैल्यू देखने मिलेगा। तो काफी हद तक डिपेंडेंट है कि कितनी रेट हाइक होती है। जो आगे का गाइडेंस होगा इकोनॉमी के ग्रोथ पर्सपेक्टिव को लेकर और इन्फ्लेशन के आउटलुक को लेकर, वो भी जो है आगे निर्णय करने में हेल्प करेगा। मुझे लगता है कि ओवरनाइट को काफी उठा बैठक होगी और कल का दिन काफी इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है अमित जी, इसी के साथ बात करें अगर क्रूड की, तो क्रूड में भी आज हमने कुछ नरमी आते हुए देखी है। क्रूड की प्राइसेस भी थोड़े आज नरमी के साथ ही ट्रेड करते नजर आ रहे हैं। हालांकि ब्रेंट क्रूड ऑयल अभी भी $120 पर सस्टेन है। तो आपको क्या लगता है, ओपेक का और उसके सहयोगी देशों द्वारा जुलाई अगस्त में उत्पादन बढ़ाने की बात करना मीटिंग में, उधर से चाइना में फिर से लॉकडाउन की खबरें आना और लॉकडाउन लगना, तो ऐसे में अब क्रूड का बाजार कैसा रहेगा? क्या उतनी सप्लाई अभी मार्केट में है जो प्राइसेस को सपोर्ट करें? मुझे लगता है कि चाइना में जो फ्रेश लॉकडाउन लगे हैं उससे कहीं ना कहीं ऊपरी स्तरों पे दबाव बनता हुआ दिखता है, क्योंकि मांग जो है फिलहाल इतनी नहीं उभर के आने की पॉसिबिलिटीज हो गई है दोबारा। और हमने ऑलरेडी निचले स्तरों से काफी बड़ा मूव, ऑलमोस्ट 15-18% का मूव पिछले एक महीने में आते हुए देखा है। तो इन स्तरों पे मैं कॉशन करने की सलाह देना चाहूंगा बाय में। हमने ऑलरेडी कल से एक बड़ा सेल ऑफ देखा है, 9600 के ऊपर के स्तर देखे गए थे एमसीएक्स पर, वहां से लगभग 9100 के स्तर देखे गए हैं। मैं समझता हूँ कि इंट्राडे में शॉर्ट कवरिंग देखने मिल सकती है 9300 से 9400 के बीच। लेकिन यहाँ पर अगर बिकवाली करके चला जाए या जिनकी बाय पोजीशन है अगर वो एक बार एग्जिट कर ले तो एक बेहतर स्ट्रेटेजी रहेगी, क्योंकि ओवरऑल शॉर्ट टर्म बेसिस में लगता है कि 9000 या 8950 तक भी दाम से चल सकते हैं। जी अमित जी, जिस हिसाब से हमने आज डॉलर इंडेक्स को काफी तेजी की ओर जाते हुए देखा है, तो उसका असर बेस मेटल्स पर कैसा रहेगा? सीधे के डॉलर इंडेक्स पिछले 3 सेशन में काफी गेन किया है, क्योंकि जब से सीपीआई का डेटा आया है यूएस से, तब से हमने सोमवार से लेकर लगातार डॉलर इंडेक्स में नई ऊंचाइयां बनती हुई देखी है। लेकिन आज के सेशन में जस्ट बिफोर मेजर इवेंट हम देख रहे हैं कि यूरो और पाउंड में हल्की सी एक शॉर्ट कवरिंग मूव देखा गया है। हालांकि जितनी मैग्नीट्यूड सेलिंग का था उसके मुकाबले काफी लिमिटेड एक बाइंग देखी गई है, लेकिन डेफिनेटली मुनाफा वसूली आज डॉलर इंडेक्स में देखी गई, जो स्वाभाविक है। इस वजह से हम अक्रॉस द बोर्ड गोल्ड हो, सिल्वर हो या बेस मेटल्स भी हो, एक उछाल देख रहे हैं मार्केट में। लेकिन मेजरली ये जो उछाल होगा ये हो सकता है कि इवनिंग सेशन तक ही रहे, क्योंकि उसके बाद बाजार जो है डेफिनेटली जो बड़ा डिसीजन है उसके लिए वेट करेगा। जी अमित जी, कल के ट्रेडिंग सेशन में हमने नेचुरल गैस को काफी ज्यादा टूटता हुआ देखा था, आज भी देख रहे हैं कि $7.2 पर ही ट्रेड करती नजर आ रही है। ये जो नेचुरल गैस में अचानक से $9 से सीधे $7 का जो रेंज देखी गई है, अमित जी ये किस वजह से आई है? देखिए, जो यूएस में एक तरह से जो एक्सपोर्ट्स थे वो उनके कम हो गए हैं, जिससे जो कल न्यूज आया था, और उस वजह से क्योंकि डोमेस्टिक सप्लाई बढ़ जाएगी। हालांकि यूरोप में सप्लाई की किल्लत है, सप्लाई की कमी है, लेकिन एट द सेम टाइम हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है जो एमसीएक्स पे ट्रेड होता है वो यूएस नेचुरल गैस फॉलो करता है, और यूएस में सप्लाई एक्सेस होने की वजह से बड़ी गिरावट हमें देखने मिली 16% की लगभग। तो ऐसा लगता है कि
ये गिरावट जारी रहेगी। हाँ, इंट्राडे शॉर्ट कवरिंग जरूर देखने मिल सकती है 585 से 590 तक, लेकिन मेरा मानना है कि हमें दोबारा 550 और एक्सट्रीम केस में 530 तक के भी लेवल देखने मिलेंगे। तो फिलहाल तो मैं 740 की सलाह देना चाहूंगा। इनफैक्ट जो हमारी वीकली आउटलुक था उसमें मैंने यही कहा था कि यहाँ पर कहीं ना कहीं टॉपिंग आउट की थोड़ी निशानी हमें दिख रही है और बहुत ही इंक्रीमेंटल गेन्स हमें नहीं देखने मिलेंगे। तो वहां पर भी 605 के लिए एक 740 की व्यू थी, उसी के साथ करना चाहूंगा जी। अमित जी, बात करें अगर एग्री कमोडिटीज की, तो आज दुबई से खबर आई है कि दुबई की जो सरकार है उन्होंने 4 महीनों के लिए भारत के वीट एक्सपोर्ट जो यहां से हो रहा था उस पर बैन लगा दिया है, 4 महीनों के लिए निलंबित कर दिया है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है इसका असर भारत में वीट के प्राइसेस पर कैसा रहेगा? जी देखिए, डेफिनेटली देखिए फिलहाल क्योंकि एक तरह से इंडिया ने भी जो एक्सपोर्ट करने से मनाई कर दी गई थी, तो एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन हो गई थी और ये जो चीज है उसमें और कहीं ना कहीं एक नेगेटिव माहौल शॉर्ट टर्म के लिए सही लेकिन ऐड करती है, क्योंकि यूए के साथ भी हमारे अच्छे ट्रेड रिलेशन हैं फिलहाल। तो ऐसा लगता है कि इससे एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमें आने वाले 2 से 3 हफ्तों के लिए एटलीस्ट जारी रहता हुआ दिखेगा। जी अमित जी, यहीं से हमने अगर एडिबल ऑयल की बात करें तो एडिबल ऑयल पैक में भी हमने यहाँ पे कुछ नरमी आते हुए देखी है। आज तो देख रहे हैं कि जो सोयाबीन, जो यूएस सोयाबीन $1756 तक ऊपर हाई लगा चुका था, वही सोयाबीन अब 1600 की रेंज में ट्रेड करती नजर आ रही है। तो ऐसे में क्या लग रहा है एडिबल ऑयल पैक और सोयाबीन कैसे रहेंगे अब? जी देखिए, एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में फिलहाल ऐसा लगता है दबाव रहेगा, हालांकि पिछले हफ्ते जो उछाल आया था उस वजह से संभावना बनी थी कि ये जो तेजी है ये जारी रहेगी, लेकिन ओवरऑल जो माहौल है दोबारा नरमी की तरफ हमने प्राइजेस को जाते हुए देखा है। खास करके अगर भारतीय बाजार में देखें, दोबारा हमने 1480 तक के प्राइजेस देखे हैं रिफाइंड ऑयल में, तो मुझे लगता है कि कुछ समय और ऐसा लग रहा है कि नरमी का रुख रहेगा और 1480 के नीचे अगर डेली क्लोजिंग बेसिस हम प्राइस जाता हुआ देखें तो लगभग 1455 तक रिफाइंड ऑयल देखेंगे। वहीं सोयाबीन में भी क्योंकि पिछले लोज हमने टूटते देखे हैं तो ऐसा लग रहा है कि 6600 तक के स्तर शॉर्ट टर्म में देखने मिलेंगे, यानी तेजी के आसार अभी कुछ समय तक नहीं होंगे। हालांकि बीच में अच्छे उछाल देखे गए थे 7200 तक, लेकिन चूंकि प्राइस नहीं हो पाई है, मानना है कि ओवरऑल शॉर्ट टर्म नेगेटिव सेंटीमेंट के चलते हमें 6600 तक के दाम भी देखने मिल सकते हैं। जी अमित जी, इंडोनेशिया से भी खबरें आ रही हैं कि इंडोनेशिया भी अपने एक्सपोर्ट ड्यूटी में कुछ कटौती कर रहा है, तो ऐसे में क्या लगता है अगर भारत में ज्यादा इंपोर्ट बढ़ जाता है तो क्या जो एडिबल ऑयल के प्राइसेस हैं वो अचानक से टूटेंगे? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं वही चीज अब फिलहाल डिस्काउंट हो रही है और जो कदम लिए हैं उसके बाद हमने प्राइस में गिरावट भी अच्छी तरह से आती हुई देखी है, तो यही चीज डिस्काउंट हो रही है कि एक तो एक्सेस इम्पोर्ट खास करके अगर कम ड्यूटी पे अगर वो इम्पोर्ट हों तो जो जो प्राइसेस हैं वो जो नई ऊंचाइयां छू रहे थे लगभग 2 महीने पहले तक, वहां पर भारी गिरावट देखने मिलेगी। जैसे मैंने कहा कि यहां से भी करीबन 3% की गिरावट दोनों ही सोयाबीन और सोया रिफाइंड में मिल सकती है आने वाले कुछ दिनों में। अमित जी, हमने यहाँ पे ग्वार कॉम्प्लेक्स में भी कुछ नरमी बनते हुए देखी है, ग्वार सीड भी नीचे में 5600 के लेवल्स पर अब ट्रेड कर चुका है और ग्वार गम भी हम देख रहे हैं 10,000 के ही लेवल्स पे हैं। तो आपको क्या लग रहा है क्या ग्वार के जो प्राइसेस हैं अभी यहाँ से अभी और गिरावट की ओर जाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए जब तक 5900 के ऊपर था जिस तरह से तेजी का रुख बना हुआ था और 5900 तोड़ने पे ही हमारी बात पिछले हफ्ते भी हुई थी कि फिलहाल 5600 से 650 तक जाने की उम्मीद है, वार्षिक तौर के हिसाब से हम देख रहे हैं कि एक नेगेटिव माहौल बना हुआ है। मेरा मानना है कि ग्वार गम भी फिलहाल 10,400 तक जाने की क्षमता रखता है, तो फिलहाल सेलम वैल्यू ही करके चलना चाहिए। कच्चे तेल में भी ऐसा मेरा मानना है कि नियर टर्म टॉप कहीं ना कहीं हो चुका है और प्राइस में जो उसका असर हमें ग्वार कॉम्प्लेक्स में लेकर आना पड़ता है। जी अमित जी, कैसे सीड की बात करें तो कैसे सीड में भी देख रहे हैं कुछ यहाँ पे बढ़त बनी है, कैसे में हल्की सी बढ़त नजर आ रही है 7500 के लेवल से, अब कैसे सीड जाने की कोशिश कर रहा है, तो क्या लग रहा है इससे लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कैसे आपको कैसा दिखता है?
देखिए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव मेरा मानना है कि अभी भी इसमें तेजी का रुख बना हुआ है, लेकिन अगर मैं छोटी अवधि की बात करूँ तो उससे 3 हफ्ते तो मुझे लगता है इमीडिएट तौर पे तेजी नहीं दिखेगी। और जिस तरह से मैं काफी बार दोहरा चुका हूँ कि 7,300 से 7,600 का एक दायरा है और उसी दायरे में प्राइजेस चेंज होंगी, तो मैं वही चीज फिलहाल वेट करूंगा कि अगले 2 से 3 हफ्तों में कम से कम ये जो दायरा है बना रहेगा। लंबी अवधि की बात करें यानी अगर मैं 2 महीने की बात करूं तो मुझे लगता है कि 8,100 से 8,200 तक दाम जा सकते हैं, लेकिन उसके पहले हमें एक करेक्शन देखने मिलेगी, दोबारा 7,300 तक दाम जाएंगे। कॉटन सीड ऑयल में हमने यहाँ पे कुछ हल्की बढ़त आते हुए देखी है, 2850 तक बिनौला खल यहाँ पे ट्रेड करता नजर आ चुका है, तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है, क्या बिनौला खल यहाँ से अब 2900 या 3000 के लेवल्स पर जाएगा? क्योंकि अगर जून जुलाई अगस्त वायदा देखें तो 2800-2900 की रेंज बन रही है, लेकिन दिसंबर वायदा 2400 पर है। जी बिल्कुल, दिसंबर वायदा में हम चूंकि सप्लाई आते हुए देखेंगे तो वहां पर एक डाउनवर्ड ट्रेंड आता हुआ दिख रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आने वाले 2 महीनों में हमें इमीजिएट तौर पर एक तेजी का रूप दिखाई दे सकता है। हम देख रहे हैं कि 2700 के स्तर के ऊपर ही प्राइसेस सस्टेन हो रही है, तो मैं 3000 बिल्कुल भी रूल आउट नहीं करूंगा, यहाँ से 4 से 5 फीसदी की तेजी जरूर एक बार पॉसिबिलिटी बनी हुई है। हालांकि उसके बाद ये जरूर है कि अपसाइड जो होगा कैप्ड होगा, और साथ ही 3100 से 3120 के ऊपर दाम इमीजिएटली जाता हुआ नहीं दिखता, लेकिन 3000 के करीब प्राइसेस जाना असंभव लग रहा है। जी अमित जी, इसी के साथ साथ कॉटन M6 कॉटन की बात करें तो हमने M6 कॉटन पर भी यहाँ पर नीचे भी बीच में गिरावट तो देखी थी, लेकिन प्राइसेस वहां से फिर खरीदारी की ओर गए, प्राइसेस हमने देखा M6 कॉटन में फिर से खरीदारी देखने को मिली और अब प्राइसेस 46,000-47,000 की रेंज में आ चुके हैं, तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है, ये अब मार्केट में जो चर्चाएं चल रही है कि कॉटन की स्विंग ज्यादा होगी, कॉटन का प्रोडक्शन ज्यादा होगा, तो क्या इसका असर कॉटन के प्राइसेस को कहीं ना कहीं इंपैक्ट कर सकता है या फिर कॉटन के जो दाम है वो तेजी की ओर ही रहेंगे? देखिए मेरा मानना है कि फिलहाल इमीडिएट तौर पे हमें 50,000 तक के जो लेवल देखे गए थे वो दोबारा जल्द नहीं देखने मिलेंगे, लेकिन गाइडेंस में कंसोलिडेट जरूर करेगी प्राइसेस, यानी निश्चित तौर पे हमें बाइंग दिखेगी और 20,000 पे सेलिंग दिखेगी। ये दायरा जो है अभी इमीडिएट तौर पे देखा जाए तो 48,500 के आसपास का है, यानी वहां तक हम जा सकते हैं, उसके बाद दोबारा हमें गिरावट का दौर देखने मिलेगा क्योंकि सप्लाई बढ़ने की उम्मीद बनी हुई है, तो अपसाइड जो है कहीं ना कहीं कैप्ड होगा, लेकिन एट द सेम टाइम डिमांड सिचुएशन भी फिलहाल मजबूत है, तो निश्चित स्तरों पे हमें बाइंग जरूर आते दिखेगी। ओवरऑल ऐसा लगता है कि 44,000 अगर प्राइसेस नीचे जाती हैं तब इसमें बड़ी करेक्शन शुरू हो जाएगी, जहां पर दाम फिर 40,000 से 39,000 तक भी जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं बड़ी मंदी में भी नहीं हूँ, हालांकि ये भी कहूंगा कि अपसाइड भी जो है वो लिमिटेड होगा और मैं 48,500 से 49,000 तक का एक कैप भी आता हुआ देखा। अमित जी, हमने ज्यादातर कमोडिटीज पर तो अभी हाल फिलहाल में इंटरनेशनली अगर बात करें तो इंटरनेशनली भी जितनी भी अभी न्यूज़ आ रही हैं अभी तक उनका भी इम्पैक्ट आते हुए देखा है, इंडियन गवर्नमेंट का भी इम्पैक्ट आते हुए देखा है, तो ऐसे में आपको वो कौन सी कमोडिटी अच्छी लग रही है जिसमें अभी भी मुनाफा कमाया जा सकता है? जी, मेरा मानना है कि एग्री कमोडिटी में इमीडिएट तौर पर कॉटन सीड ऑयल के 3000 तक जाने की संभावना बनी हुई है, तो वहां पर खरीदारी की जा सकती है। साथ ही जीरा अगर हम देखें तो 2700 के जो सपोर्ट की हमने काफी समय से बात की थी उसके नीचे दाम नहीं जा पा रहे हैं और हर दफा हम देख रहे हैं कि एक बाइंग 2850 से उभर के आ रही है, तो मेरा मानना है कि जीरे में हमें मुनाफा हो सकता है और 22,000 से 22,200 तक के दामों में शॉर्ट टर्म में छोटी अवधि में देखने मिलेंगे, तो इसलिए बाइंग करके चलना जीरे में प्रेफरेबल होगा और सेकेंडली बिनौला खल या कॉटन सीड ऑयल केक में बाइंग करके चला जा सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए।